भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता अहमद। आज बालाकोट एयर स्ट्राइक को 2 साल पूरे हो रहे हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने कार्रवाई करते हुए 26 फरवरी की देर रात इसका बदला लिया और पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर बमबारी कर उसे तबाह किया और नेस्तनाबूद किया। भारतीय वायुसेना के इस एयर स्ट्राइक में जैश के करीब 250 आतंकियों को मार गिराया। आज ईटीवी भारत के साथ हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय वायुसेना में बतौर महिला विंग कमांडर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, अनुमा आचार्य। अरुमा फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन लॉजिस्टिक ऑफिसर भी रह चुकी हैं। अरुमा आचार्य डिफेंस एनालिस्ट और राइटर भी हैं। वही हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ रक्षा विश्लेषक प्रफुल्ल बख्शी जी, जो कि भारतीय सेना में विंग कमांडर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में। प्रफुल्ल सर, आपसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी। बालाकोट एयर स्ट्राइक को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं, पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में ये गुस्सा था, तो कब कैसे क्या प्लान किया गया और भारत ने कब डिसाइड किया कि 45 जवानों की शहादत का बदला लेना है? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत ये रोष जो भारतीय जनता में था बहुत पहले से था, 25 साल से था जब से ये स्टार्ट हुआ है। ये तो हम भारत को रिएक्ट करने में इतना टाइम लगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि हमारी जो है जिसको डॉक्ट्रीज कहते हैं वो क्लियर नहीं है। बेसिकली कंफ्यूजन हमारी पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक बॉडी के मिश्रण में है, वहां पर अटल कंफ्यूजन है, इसी कारण ये डिले हो रही थी। यही नहीं, जो कश्मीरी पंडितों का हुआ उसको मिसहैंडल हुआ, ये सारा का सारा ये था हमारे डिसीजन मेकिंग में था। तो इसीलिए ये पुलवामा में जो हुआ उसके साथ भारत का रोष रोका नहीं। और जब जो फाइटर स्ट्राइक्स है वो तो ऑलरेडी प्लान्ड होती है, हमारे पास नंबर ऑफ फाइटर स्ट्राइक्स प्लान्ड होती है, प्रैक्टिस करते रहते हैं। ये तो नहीं, ये तो बालाकोट तो पता ही था कि बालाकोट भी एक बेस है, इंटेलिजेंस के पास था, और बालाकोट का जब पता चला तो ऑटोमेटिकली स्ट्राइक हुई। और जो स्ट्राइक के लिए मैं बताता हूँ, एक बेस से नहीं, एयरक्राफ्ट थे, एयरक्राफ्ट मोर देन वन बेस थे। और क्या होता है कि जब रात रात को टेक ऑफ करते फॉर्मेशन में, फॉर्मेशन फॉर्म अप होती है, दूसरे ज्वाइन अप करते हैं, जहां तक लो लेवल रडार आपको ले जा सकता वो ले जाएगा। उनकी नेविगेशन सिस्टम इतने अच्छे होते हैं कि उन्होंने लो लेवल जो कैरिंग और जो फ्लाइंग कैरी, उन्होंने पहले लो लेवल सिर्फ बॉम्बिंग होती थी, अब तो लो लेवल रॉकेट अटैक भी होने लगे हैं। और लो लेवल पे उन्होंने 150 फीट पे एट 2:30 बजे रात को दे हिट हिमालयस, और वहां से पंजाब से वहां हिमालय, हिमालय से लेफ्ट किया अलोंग द बेस ऑफ द हिमालयस, एंट्रिंग पीओके, टर्न लेफ्ट अगेन एंड स्ट्रेट अवे हिट बालाकोट। एंड नॉर्मल स्ट्राइक थी, नॉर्मल हिट किया, वेपन्स उनके राइट वेपन्स थे फॉर द राइट टारगेट, और सारा का सारा जो था कैंप ध्वस्त हो गया। क्वेश्चन ये नहीं है कैंप ध्वस्त हो गया, कैंप ध्वस्त तो होना ही था, नो अदर चॉइस, बट द क्वेश्चन है लड़ाई तो वहां नहीं हुई, वो तो लड़ाई बंद हो गई, लड़ाई तो बाद में स्टार्ट होती है इन द पोलिटिकल माइंड्स। वो कहते हैं प्रूफ लाइए, आप गए थे पहली बार, ओके भैया जी, फिर अच्छा गए होंगे तो कौवे मारे होंगे, तो कुछ टहनियां तोड़ी है, अब टू चाहे कुछ हो जाए, मतलब कहने का मतलब है कि अगर दो शिष्यों में लड़ाई हो रही है, दोनों पांव दबा रहे हैं गुरु के, तो एक एक पांव में पत्थर मारता है, दूसरा दूसरे पांव में पत्थर मारता है, बदला ये आपस में ले रहे हैं, देश का नुकसान हो रहा है। एग्जैक्टली हो रहा था, हम हैरान थे कि लोगों को हो क्या गया है, अपने ही घर के डुबो रहे हैं, बाकियों के सामने लुटिया डुबो रहे हैं, कर क्या रहे हैं ये लोग। अगर फर्ज करो झूठ भी होता फिर भी आप लगा के बताएं, ये नहीं दूसरे देशों में जाके, दूसरी कंट्रियों में जाके बोल रहे हैं जोर जोर से। फाइनली पाकिस्तान ने जब एक्सेप्ट कर दिया हाथ जोड़ के, हाँ साहब हमारे पे स्ट्राइक हुई थी बड़ी, उसके बाद सबके छाती में ठंडक पहुंची और उन्होंने कहा अच्छा। तो खैर ये बात है, बात ये यहां तक नहीं रुकती, बात क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्राइक करी है इससे क्या काम चलेगा। अगर मैं डिसीजन मेकिंग बॉडी में होता तो अब तक नंबर ऑफ स्ट्राइक्स हो गई होती आफ्टर द सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ ग्राउंड, और उसके बाद पीओके को टेक ओवर कर दिया होता, अभी तक नहीं किया है, आई एम सॉरी फॉर दैट जी। लेकिन भारत ने बालाकोट को ही क्यों स्पेसिफिकली चुना? बालाकोट को स्पेसिफिकली चुना कि दैट वाज वन ऑफ द टू बेसिस, तो ये दिखाए दे कि हम उधर जा रहे हैं, दूसरी जगह पाकिस्तान थॉट वी आर अटैकिंग अ इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट बेस विद मिलिट्री टारगेट्स आल्सो, और पाकिस्तान धोखे में आ गया।
तो देखिए ऐसा है, आप धोखे का आप बाण छोड़िए, तीर पे लग गया ठीक है, हर बार सक्सेसफुल नहीं होता। उनको या हमारा प्लान पता नहीं चला, अगर पता चल गया होता तो वेट कर रहे होते, वो नहीं कर पाए। तो ये इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, ये बात नहीं है, जी कोई और भी सेलेक्ट कर सकते थे। जी पर हाँ जी अरुणा मैम आपसे, हाँ जी बोलिए डिसेप्शन यहां पूरी थी, इसीलिए जी। इन्होंने किया। और रडार्स ऑन थे, उन टेल उनकी क्लियर थी, जब अटैक करने जाते हैं स्काई वाज वेरी क्लियर एंड दे केम बैक। यहां तक कि पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि ये हो गया है। पाकिस्तान को तब भी नहीं पता चला था जब हमने कराची के पास ही हमारे एयरक्राफ्ट गुजरे थे, तो पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया था। तो ये हमारी इंटेलिजेंस की थोड़ी सी उपलब्धि है। जी अनुमा मैम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि इस ऑपरेशन का जो कोड नेम था वो बंदर रखा गया था, तो कैसे कोड नेम डिसाइड होता है कि कोड नेम ये रखा जाए, क्योंकि आप भी बतौर वायुसेना में विंग कमांडर सेवाएं दे चुकी हैं। शगुफ्ता, मैं एक लॉजिस्टिक्स बैच के पहले बैच की अधिकारी रही हूँ। मैं ओवरऑल एयरफोर्स जी के सेकंड बैच की ऑफिसर हूँ, एक तो ये। जी दूसरी चीज ये कि आपने मुझसे ये जो हमने अभी बात पूरी सुनी, इसमें मैं एक चीज जी आपको बता दूं कि इसका ऑफिशियल स्वरूप ये था कि हमारे विदेश सचिव विजय गोखले जी ने कहा था कि ये नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। जो ऑफिशियल हिंदुस्तान ने पूरे दुनिया के सामने जो बात कही है वो ये है कि ये एक नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, जिसमें हमें ये अंदेशा था कि कल को वहां से हमारी तरफ किसी तरह का अटैक आ सकता है, तो हमने जी अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए उन पर आक्रमण किया। अब जैसे ये आप जी पूछ रही हैं कि ऑपरेशन बंदर इसका क्या नाम रखा, इसका जी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है एयरफोर्स का, उसके हिसाब से कोई भी नाम हो सकता था। उस समय इसका नाम ऑपरेशनल बंदर रख दिया गया और इसकी जी कोई बहुत सोची समझी तकनीक नहीं थी। एक बात जी सबसे इंपॉर्टेंट आप ये समझ लें कि हमारी वायुसेना जो है पिछले 5 या 7 साल में नहीं पनपी है, बहुत लंबा जी 1932 से हमारा रिकॉर्ड है। हम लगातार अपने आप को इतना तैयार रखते हैं, मुस्तैद रखते हैं, एक मार्के की बहुत शानदार ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती है और ये सारा जी कुछ एक बहुत शानदार टीम वर्क होता है। अब इस वाली स्ट्राइक में आप समझिए, ये केवल फाइटर्स का जाना और पेलोड गिराकर आना नहीं है, बम लगा के आना नहीं है। यहाँ पर आपके फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो जा रहे हैं उनके साथ में, उसमें 12 एयरक्राफ्ट है तो उसमें 6 बॉम्बर के रोल में है, 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रोल में है और बाकी एयर डिफेंस के रोल में 4 है। इसके जी अलावा हमने हलवारा से लॉन्च किए Sukhoi-30, तो आप प्लानिंग देखिए ये क्या शानदार टीम वर्क है। और इसके अलावा अगर उनका एयरक्राफ्ट का फ्यूल खत्म हो जाए, तो लॉजिस्टिक्स की भी बात कर लूं मैं, मेरी जो ब्रांच है जी तो जी उसकी लॉजिस्टिक्स ठीक करने के लिए ऑनलाइन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो है वो हमने जी उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के आसपास का कोई एरिया है उस जगह पे उनको सारे एयरक्राफ्ट को उनकी ऑनलाइन रिफ्यूलिंग भी हुई थी, मतलब ऑन एयर रिफ्यूलिंग भी हुई थी। तो ये जी एक चीज जी आप समझिए कि हमारा जो आज तक का जो हमारा एक तरीका रहा है, हम एक रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रेंड हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी में रखते हैं। और एक एयर जी वाइस मार्शल है जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, उनको मैं कोट करूंगी, उनका एज एन एविएटर ये कहना है कि ये हमारी अनचार्टेड स्ट्रेटेजिक टेरिटरी थी, लेकिन जी ये कोई प्यूनिटिव मैनिफेस्टेशन नहीं था, मतलब हम सजा देने नहीं गए थे। और जो कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, हमने हिंदुस्तान ने यही पोर्ट्रे किया। जी जी बिल्कुल प्रफुल्ल सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ मैं ये अनुमा कह रही है, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने पहले इतनी डिटेल में आपको नहीं बताया, इसलिए नहीं जी बताया कि ये क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन पूछा था। बस अब स्ट्राइक कैसे होती है देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब लो लेवल स्ट्राइक जाती है तो उनको एस्कॉर्ट्स जी की जरूरत होती है। एस्कॉर्ट्स के जी लिए मिराज भी एस्कॉर्ट्स कर सकते थे, इनको ऐसी जरूरत नहीं है। मिराज इज नॉट ओनली ग्राउंड अटैक, इज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। तो सुखोई थे और सुखोई को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अवैक भी था, एयर टू एयर रिफ्यूलर भी, अवैक में फाइटर कंट्रोलर भी बैठे होते हैं कि अगर हमारे एयरक्राफ्ट को एनिमी एयरक्राफ्ट अटैक कर रहा है, देन फाइटर कंट्रोलर टेक ओवर एंड गाइड योर फाइटर बिहाइंड हिम। और जैसे अनुमा ने बताया बिल्कुल ठीक, अगर हमें रिफ्यूलर की जरूरत पड़ती है, और पड़ी तो या पड़ी है जो भी है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो सकती है। और आपको खासियत ये बता दूं, खैर मिराज में नहीं है, जो रफाइल जैसे जी एयरक्राफ्ट में बड़ी रिफ्यूलिंग की सिस्टम भी है कि वो जी एक फाइटर दूसरे को भी रिफ्यूल कर सकता है, वो एक जी बड़ी रिफ्यूलर जाता है। खैर वो यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इट वॉज नॉट दैट लॉन्ग अ स्ट्राइक। वो इसका मतलब दूसरी हवा से हवा में ही रिफ्यूलिंग कर सकता रिफ्यूलिंग है। तो होती है, बट बड़ी रिफ्यूलिंग इज
फाइटर एयरक्राफ्ट, नॉट अ रिफ्यूलर। वो अपना एम्यूनिशन नहीं ले जाता, एक्स्ट्रा टैंक्स ले जाता है और रिफ्यूल करता है, वो फॉर्मेशन में अपने मेंबर्स को रिफ्यूल कर सकता है। यहाँ 12 एयरक्राफ्ट थे, इसीलिए इनका जो रिफ्यूलर था, अवैक्स था, ये सारा का सारा था। और दूसरी बात ये बता दूं कि हमारी जो ये स्ट्राइक जाती हैं, ये सिर्फ पायलट नहीं होता, इसके बीजे का पूरा स्टेशन काम करता है। आपका आर्ममेंट सेक्शन, उसने कितना जोर लगाया, किस तरीके से किया होगा, ATC और सारा रूट प्लानिंग, योर फाइटर कंट्रोलर्स जो होते हैं, कितने रडार स्टेशंस ऑन थे उस समय, ऑन द अलर्ट थे, आप बैठी हैं लैपटॉप पे कंसोल पे कैसे बैठे हैं, तो ये सारा का सारा था। इट वाज नॉट ओनली दिस द 12 एयरक्राफ्ट ओनली, इट वाज अ कंप्लीट कमांड व्हिच वाज ऑन द जॉब, बट अपना अपना जॉब कर रहे थे। और दूसरी बात ये है, कंप्लीट डिसेप्शन जो हुई है ये एब्सोल्युटली बड़ी मस्ट है। हाँ, हो सकता है कि सैटेलाइट उनको कम्युनिकेशन दे देता, बट ये हमें पता था कि कौन सा सैटेलाइट कब जाता है, कब उनको उससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, कब नहीं मिल सकती, ये भी पता था। तो ऑल दीस थिंग्स, ऑल एस्पेक्ट हैव बीन क्लेरिफाइड। जी अनुमा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि जब ये ऑपरेशन किया गया तो कैसे स्क्वाड्रन, किन स्क्वाड्रन को चुना गया, और सुखोई और मिराज 2000 को ही क्यों चुना गया स्ट्राइक के लिए? देखिए, मिराज हमारा वैसे भी एक प्रीमियर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, और मैं तो आपको थोड़ा बोस्ट भी कर दूं कि मैं मिराज 2000 की जो 7 स्क्वाड्रन इसमें पार्टिसिपेट किया था जिसने, मैं उसकी पहली महिला विंग कमांडर रही, मैं पहली महिला अधिकारी रही हूँ, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। ये एयरक्राफ्ट की बहुत सारी जो खूबियां हैं वो आपको प्रोपल्सर ज्यादा अच्छे बताएंगे, लेकिन जो मैं जानती हूँ एज अ लॉजिस्टिक्स ऑफिसर, फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसने कारगिल युद्ध में भी अपना कमाल दिखाया है। और जो सर ने कुछ युद्ध के जो इस तरह की स्ट्राइक की खास बातें बोली, डिसेप्शन है, लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग है, टेरेन मास्किंग है, और पाकिस्तान एयरफोर्स को एक तरह का सरप्राइज दिया गया, क्योंकि सुबह 3:30 बजे कौन जाग रहा होता है, जितने भी काम करने वाले भी होते हैं, तो वो एक ऐसा समय होता है, तो समय का चुनना भी बहुत शानदार था। और हाँ, पाकिस्तानी एयरफोर्स को जब तक पता चला तो तब तक तो ऑलरेडी 5:30 बजे उन्होंने जो पहली ट्वीट की है वो की है। तो इसमें क्या था कि जो हमारे बम का जो चयन था, 2000 जो हमने चुना था, एक तो 1000 किलो का बम है, इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, एक तो ये प्रिसीजन गाइडेड होता है, इसके अपने अंदर GPS का एक कंट्रोल होता है, तो ये करीब 100 किलोमीटर तक ये हवा में फ्लोट होके, खुद ही गाइड होके उस जगह पे जाएगा जहाँ पे इसको जाके गिरना है, तो इसे इसके अंदर ये बिल्कुल फीड होता है प्रॉपर तरीके से कि कहाँ स्ट्राइक करना है। दूसरी चीज, जब ये कंक्रीट की सतह से टकराता है तो पहले नीचे जाके जब वो गिरता है तब जाके फटता है, और फटने के बाद एक तरह की जो हीट जनरेट होती है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक बात आपको, खास बात आपको बहुत ध्यान रखनी होगी कि स्ट्राइक के बाद हमारे जब एयर चीफ मार्शल का जो बयान आया था वो बहुत जिम्मेदार बयान था, और उन्होंने कहा था हमारा काम है दिए गए टारगेट पर स्ट्राइक करना, आगे की कहानी राजनीति है। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और बख्शी सर के एक सवाल का शायद मैं अगर गलत जवाब दे रही हूँ, लेकिन मैं जवाब देना चाहती हूँ, गलत इसलिए कह रही हूँ, उनके हिसाब से वो पसंद नहीं आएगा उनको, लेकिन मेरा ये कहना है कि बाकी आगे चल के हमने वो क्यों नहीं किया, ये एक सवाल सर ने छोड़ा था हमारे लिए। और मेरा ये कहना है कि भाई जब एक राजनीतिक पार्टी का काम इस स्ट्राइक से चुनाव में हो गया था तो आगे की किसको परवाह है, हम सेनाएं इसी तरह छली जाती हैं, ये मेरा कहना है पूरी कहानी। जी प्रफुल्ल सर, प्रफुल्ल सर आप इस बात पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं पूरी बात करूंगा, मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारे जो जो लॉन्ग रेंज बॉम्ब्स होते हैं ये डिस्पेंसर्स में आते हैं, और डिस्पेंसर्स फ्लोटिंग डिस्पेंसर्स होते हैं, 150 किलोमीटर से दूर से ही लॉन्च किए जा सकते हैं, और उनके बाद जो प्रिसीजन सिस्टम होता है, जब वो टारगेट के ऊपर आते हैं तो वो डिस्पेंसर खुलता है और 2 से 3 से ज्यादा बॉम्ब नीचे जाते हैं, ये वर्टिकली हिट करते हैं, जैसे उन्होंने बताया, ये हीट जनरेट करते हैं, पहले अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं और थिकस्ट कॉन्क्रीट को पेनिट्रेट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो अब हमारे पास जो रफाल आया है उसमें जो बॉम्ब्स लगे हैं उनके अंदर भी ये खासियत है, एंड दे कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो हैमर जो है और उनके अंदर भी सिमिलर क्वालिटीज हैं। ये जो बॉम्ब्स फ्लोट करके जो दूर तक जाते हैं, इसका मतलब है आपके फाइटर को टारगेट पे आने की जरूरत नहीं है,
उन्होंने लॉन्च करके देखा टर्न बैक, हमारे टाइम में टॉस बॉम्बिंग होती थी, अब टॉस बॉम्बिंग की जगह अब ये आ गया, ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है। और दूसरी बात ये है कि ये सारा का सारा जो मामला है, एक बार आप जिस जहां पे गवर्नमेंट का और आर्म फोर्सेस का तालमेल अच्छा होता है, उसमें कोई शक नहीं पैदा होता कि क्या करना है क्या नहीं पैदा करना। कई कंट्रीज में इनको दूर रखा जाता है डिसीजन मेकिंग बॉडी से, कंफ्यूजन वहां स्टार्ट होता है, कम्युनिकेशन एरर। तो यहाँ कोई कम्युनिकेशन मेरे को कम दिखाई दिया, कोई ऐसा कोई मतलब कोई एरर नहीं दिखाई दिया कि कोई कंफ्यूजन नहीं था। हाँ, अब वो दूसरी बात है, हमारी एयरफोर्स जो है, एज मैं आपको बता दूं, अगर पता चलता कि देयर आर पीपल अराउंड, पब्लिक अराउंड है, तो गवर्नमेंट उसको एडवाइस करती, एयरफोर्स एडवाइस। आपको मैं छोटा पीछे ले जाता हूं, कारगिल के और छत्तीसगढ़ के टाइम में पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड एयर चीफ को कहा आप छत्तीसगढ़ में अटैक हेलीकॉप्टर से अटैक करिए। एयर चीफ रिफ्यूज्ड, ही सेज आई विल नॉट बिकॉज दिस आर टू डिवास्टेटिंग अ वेपन एंड द पब्लिक विल बी हार्म्ड, आई विल गिव यू लॉजिस्टिक सपोर्ट बाय माय हेलीकॉप्टर्स। पार्लियामेंट में जाके उनसे पूछा गया, ये सिर्फ 6-7 साल पुरानी बात है, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। एयर चीफ रिफ्यूज्ड इट एंड ही वाज, द वर्ल्ड गेव क्रेडिट टू द इंडियन एयरफोर्स, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पता होनी चाहिए। सो ये जो चीजें हैं, ये तब होती हैं जब आपका कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन हो। जितनी दूर आप आर्म फोर्सेस को रखोगे उतनी दूर होगा, और ये इसलिए होता है, एक स्टेप आगे जाना जाता हूं, ब्यूरोक्रेसी जब डरती है आर्म फोर्सेस से, डरती ये नहीं कि भूत से डरते हैं, वो इसलिए डरती है, उनको पास नहीं आने देते क्योंकि उनके टॉप पोजीशंस वो हड़प लें, ये प्रॉब्लम है इंडिया में। तभी ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में फौज को नीचे रखा जा रहा है, क्या कारण है? सच्चाई जब निकलती है तो फिर आपको सुननी पड़ेगी, ये चीजें हैं, ये प्रेजेंट करती है, ये हमें जी। प्रफुल्ल सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब एयर स्ट्राइक करी गई भारत की तरफ से, तो क्या उस वक्त राफेल की कमी महसूस की गई? देखिए, ऐसा है, राफेल की कमी तो महसूस इसलिए होगी कि राफेल एक और केपेबल एयरक्राफ्ट है, पर मैं ये बता दूं, ये मेरे को ये भी स्टेटमेंट अच्छी नहीं लगती, अब 4 राफेल आ गए हैं, अब दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देंगे, ये भी ठीक नहीं है। कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन चाहिए हमें राफेल के लिए कोई अच्छा इफेक्ट लगे, मिनिमम 2 स्क्वाड्रन तो होने चाहिए। 4 राफेल और 5 राफेल से नहीं होता, राफेल इटसेल्फ इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड मोर केपेबल देन मिराज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट राफेल, हाँ, एक केवल एक ही है, तूफानी, मिराज, राफेल, ये सब एक ही स्टेबल से निकले हैं डसॉल्ट के। पर क्वेश्चन ये है कि कमी महसूस इसलिए हुई कि राफेल बहुत पहले आ सकता था, बिकॉज ऑफ पुअर हैंडलिंग ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, आई एम सॉरी टू से, जहां नौसिखियों को अगर आप बिठा दोगे, मिनिस्टर बना दोगे, तो यही होगा, और एग्जैक्टली यही हुआ, और हम पीछे रह गए। आपने ये भी नहीं पूछा कि अभी तक हमने कुछ बनाया क्यों नहीं, इंडिया ने कौन सा जहाज बनाया है? एक HF-24 बनाया था जो मैंने 8 साल फ्लाई किया था, दैट कुड गो सुपरसोनिक विदाउट आफ्टर बर्नर, उसको डाउन कर दिया क्योंकि रशिया ने प्रेशर डाला था आपके ऊपर कि आप इसको बनाएंगे तो हम आपको बाकी सप्लाई रोक देंगे। ये जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज बिकॉज ऑफ पुअर पॉलिसीज एंड पुअर प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स। 47 ऑनवर्ड्स कितनी गवर्नमेंट्स आई गई, कोई मिनिस्टर मिनिस्टर का नाम नहीं मेरे को पता, बट ये हुआ है। और ये मैं पता 95 से बोलता आ रहा हूं, 97 में मैंने पहला लेख लिखा था इसके ऊपर। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि 2022 तक पूरे राफेल विमान आ जाएंगे भारत के पास। आ जाएंगे तो ठीक है, बनेंगे कितने? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। मैं बता रहा हूं, जब एक स्क्वाड्रन जब लड़ता है, 3 दिन के अंदर आपकी सर्विसबिलिटी 40% आ जाती है, आपको ये पैड नहीं मिल रहा, ब्रेक पैड नहीं मिल रहा, हाइड्रो बूस्टर नहीं मिल रहा, और आपको दुश्मन जो देश जहां से सप्लाई आ रही है वो सोने के भाव बेचते हैं, आप भीख मांगने जाते हैं, जैसे 155 मिलीमीटर शेल को आपने कारगिल में भीख मांग के लिया, सोने के भाव बिक रहा था। तो ये हमारी गलतियां हैं, हमारी ऑर्डनेंस फैक्ट्री अभी तक कोई एम्युनिशन नहीं बना रही, अभी तक कोई गन नहीं बना रही, अब बननी शुरू हुई है, ये K9 और अभी 777 का कॉपी करेंगे, ये अब बनना, अभी राफेल सोच रहे हैं, और जो बना रहे हैं जहाज, लाइसेंस प्रोडक्शन, मतलब वो कंट्री आपसे नाराज हो जाएगी, कभी भी लाइसेंस रोक देगी आपका। तो ये लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, थैंक गॉड करते हैं, अगर ना की होती तो अभी तक हम सो रहे होते,
और अब 30% 40% रास्ता उन्होंने ऑक्यूपाई कंप्लीट कर लिया है। देखिए जब प्राइम मिनिस्टर कहता है मेक इन इंडिया, तो ये नहीं कि एक महीने में हो जाएगा, उसके लिए भी 7-8 साल लगेंगे। अब उन्होंने कहना शुरू किया 2020 में, आप 2029 से पहले नहीं ले सकते। अनुमा जी आपसे जानना चाहेंगे, जब भारत ने एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान के खिलाफ, कितने मिनट तक भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहे? पूरा ऑपरेशन 6 से 7 मिनट में हो गया था, इससे ज्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको जो एक्शन करना था, 50 किलोमीटर अंदर गए थे वो एलएसी के अंदर, और अपना निशाने पर अपना बम गिराया और वो वापस आ गए थे। तो वो एक चीज आप समझ लीजिए, जहाज से ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन होता है? पायलट। और हमारे यहाँ के पायलट जो हैं, मैं सर की बात को कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि हमारी जो स्किल्स है पायलट्स की, वो अनमैचेबल है। इस बात से सर भी बिल्कुल सहमत है, आई एम श्योर अबाउट इट। क्योंकि आप जो कह रहे हो कि राफेल, आपको मैं बताऊं कि जो एयरक्राफ्ट गए थे वो नॉन अपग्रेडेड मिराज 2000 थे, यानी कि अपग्रेडेड वाले भी नहीं थे। तो स्किल्स चाहिए होती है मेनली, ये नहीं चाहिए होता कि आपके जहाज कौन सा है। और दूसरी चीज जो राजनाथ सिंह कह रहे हैं, आप बात कर रही हैं 36 मिराज एयरक्राफ्ट की, यानी कि 2 स्क्वाड्रन की, 36 राफेल की बात कर रही हैं, और यानी कि 2 स्क्वाड्रन की बात हो रही है। तो पूरे एयरक्राफ्ट नहीं आ रहे हैं अभी, हमें कम से कम 120 एयरक्राफ्ट की, फाइटर्स की जरूरत है, जिससे हम अपने जो स्क्वाड्रन का कोरम पूरा कर सके। तो ये बात है। दूसरी चीज, जो भी हमने पिछले 70 साल में अचीव किया है वो है DRDO, HAL, ये बात जरूर है कि उनसे हम उस तरह के काम नहीं ले सके, क्योंकि काफी जगहों पर हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आती है। लेकिन हम यहाँ पर बहुत सारे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट लेकर बना रहे हैं, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट और बहुत सारे सिस्टम्स भारत की भूमि पर ही बन रहे हैं, बहुत सालों से बन रहे हैं। अब हम जो देख रहे हैं, जो मेक इन इंडिया की कहानी है, ये 2007 से चालू है। ये हम जब FDI की बात हुई थी, ये पहली बार ये टर्म तभी आए थे, और तब से हमने ये शुरुआतें कर दी है। इसी तरह सब कन्वेंशनल वॉर की जो हम बात कर रहे हैं, प्यूनिटिव फिर भी नहीं कहूंगी मैं, मतलब सजा देने वाला वॉर नहीं, लेकिन हाँ सब कन्वेंशनल जो वॉर है इस तरह का जो हमने अभी किया, ये बालाकोट वाला, क्योंकि इसकी 2-3 तरह की चीजें होती है। एक तो इंटर सर्विस सिनर्जी बढ़ती है इससे, हम आपस में एयरफोर्स आर्मी नेवी को भी एक तरह का सपोर्ट मिलता है कि नहीं हम ये कर रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि ये एक डेटरेंस की तरह भी इस्तेमाल होता है। तो सब कन्वेंशनल वॉर की बात हम 2012 से कर रहे हैं, हम जब बिल्कुल अक्षम थे एक तरह से, तब से लेके अब तक का अगर हम देखेंगे तो हम लगातार समृद्ध हुए हैं। और हर सरकार ने, चाहे किसी ने थोड़ा डिले करके किया, क्योंकि एक समय यह हुआ था कि 1999 में मिराज 2000-5 का 100 एयरक्राफ्ट से ज्यादा का ऑर्डर जो था, वो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने उसको क्वैश कर दिया था। उन्हें लगा कि ये पता नहीं कहीं किसी तरह स्कैम में उनका नाम ना आ जाए। तो उसके बाद जो उससे एक बार अड़ी लगी, जो रोक लगी, तो वो जाके उसने इस पूरी कहानी को 15 साल आगे खींच दिया। और आपको एक बात और बताऊं, 2007 में ही राफेल की टेंडरिंग हुई थी, उसके बाद इस सरकार ने कोई टेंडरिंग नहीं की है। मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूं तो ये बता रही हूं आपको, 2014 में ये डिलीवरी की स्टेज पर था, ऑर्डर देने की स्टेज में था, लेकिन सरकार बदल गई, इसलिए उस पूरे केस को मेरे सामने वो फाइल बंद हुई थी। और मेरे क्योंकि मैं जिस जगह काम करती थी उस ऑफिस का उसमें रोल था, और बिल्कुल प्रोमिनेंट रोल था, तो वो फाइल बंद करके और दोबारा इस सरकार ने अपने तरफ से शुरुआत की, जो भी किया हमारे देश के लिए अच्छा हुआ। जी अनुमा जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि भारत ने कार्रवाई करी, उसके बाद अब पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करी अगले ही दिन, क्या ये दुनिया को दिखाने के लिए करी? देखिए है आप, ये तो बड़ा स्वाभाविक सी चीज है कि उन्होंने एक 20 एयरक्राफ्ट का पैकेज दूसरे दिन लॉन्च किया, और उसके बाद हमने सुना है जो डॉग फाइट हुई और वो सारी बातें, तो वो हमने देखा। अब वो दुनिया को दिखाने के लिए डेफिनेटली वो अपनी कमजोरी तो नहीं पकड़ी जाना चाहेंगे ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि वो सो रहे थे और आके हमने उनके ऊपर स्ट्राइक किया और चले गए। पाकिस्तान हमारा परंपरागत दुश्मन है, और मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में भी कभी कोई ऐसी दोस्ती होने वाली है। हम डायलॉग्स करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते जिस तरह का छद्म युद्ध वो हमारे साथ लड़ते हैं वैसा हो, लेकिन नियत की बात होती है। पाकिस्तान की नियत में हमको कोई सुधार दिखता नहीं है। तो हमारा जो परंपरागत दुश्मन आज पाकिस्तान है, हम ही से पैदा हुआ है, हमें ही आग दिखाता है, लेकिन ये चलता रहेगा जब तक कि किसी तरह का पाकिस्तान में किसी तरह की बुद्धिमान सरकार नहीं आती और उसे इस बात समझ में नहीं आती। जी प्रफुल्ल सर आपसे जानना चाहेंगे। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। नहीं नहीं आप क्वेश्चन पूछिए, मैं सब बता दूंगा।
जी आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करी, उसके बाद अगले ही दिन जब पाकिस्तान ने कार्रवाई करी, तो उसमें पायलट अभिनंदन जो कि MiG-21 उड़ा रहे थे, उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और पाकिस्तान के कब्जे में आ जाते हैं वो, तो उसके बाद भारत का क्या रिएक्शन था? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के F-16 विमान को गिरा दिया था, जो कि युद्ध में इस्तेमाल नहीं होना था, जो कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया था F-16 विमान। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान ये सारा कुछ करता आ रहा है बेसिकली। पाकिस्तान ने तो ये इसलिए F-16 दिए गए थे कि तालिबान जो हॉस्टाइल तालिबान है उनके ऊपर अटैक सिर्फ करे। अमेरिकन ये चाहते थे, पाकिस्तान ने उनका दूसरी तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। खैर वो पाकिस्तान की पॉलिसी है, जो किया या नहीं किया दैट्स नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन जब अभिनंदन ने MiG-21 से उसको गिराया, आपके फ्रंट क्वार्टर में कोई जहाज आ जाए, अगर मैं फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के एयरक्राफ्ट में भी हूं, अगर लेटेस्ट एयरक्राफ्ट मेरे सामने आ जाए फ्रंट क्वार्टर में और मेरी गन की रेंज में है, मेरे मिसाइल की रेंज में है, वो तो गया काम से, वो कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकता उसको। और अगर गन्स लगी है तो जैमिंग भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन ये है कि ये जो डॉग फाइट थी, इसके अंदर जो भी जो नतीजा हुआ, उनका मिराज गिरा, हमारा MiG-21 गिरा, हमारा पायलट है वो POW बना, जो कि प्रिजनर बना उस समय, और जिनेवा कन्वेंशन के तहत उसकी वापसी तो अगले दिन जब बात शुरू होने लगी, पीस हो गई, ओके म्यूचुअली बात हो गई, तो उनको वापस करना लाजमी था और उन्होंने वापस कर दिया। देखिए अब इसकी बहुत बड़ी बहुत चीजें बहुत पहलू हैं। पाकिस्तान ने इसलिए वापस किया एकदम से, पुट अ गुड इमेज की, देखिए हमारे को इसकी जरूरत नहीं है, पायलट की POW था, हमारा कोई हॉस्टिलिटी नहीं है, हम इसे वापस भेज रहे हैं। दिस स्कोर्ड अ पॉइंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि दे एक्चुअली कैरीड आउट अ वेरी मूवमेंट विद वेरी अलैक्रिटी और उन्होंने कर दिया। दूसरी बात यह है कि यह सारी की सारी बात तो हो गई, क्वेश्चन ये है कि आम हम आगे से हमारा जो रिटेलिएशन का जो मतलब है, पाकिस्तान ने जो अटैक किया, पाकिस्तान ने जो नॉर्मल किया अटैक, वो तो करेंगे। न्यूक्लियर जब हमने छोड़ा था 1998 में, नॉन न्यूक्लियर वेपन 8 तो पाकिस्तान ने भी छोड़े थे, रिटेलिएशन के तो हो गए और उनको करना है। सेकेंडली पाकिस्तान की जो कंट्री है वो आर्मी पे चलती है और आर्मी अपना डिफेंस फोर्सेस अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं, नहीं तो कि अगर इंडिया से ना दिखाएं तो उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी। तो कहेंगे कि अगर पीस है तो आप बैठे क्यों यहाँ पे, आप तो पाकिस्तान इसलिए बैठा क्योंकि हिंदुस्तान तो खा जाएगा, तो ये दिखाने के लिए है। और सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें होती हैं डिफेंस में जो रिजेक्ट होती हैं, किसी मिनिस्टर से नहीं होती। मैं पहले भी बोल चुका था, मिनिस्टर्स को पता भी नहीं होता। एक हमारी ब्यूरोक्रेटिक बॉडी बैठी है, वो बॉडी बड़ी सॉलिड बन गई, जिसको सरदार पटेल ने स्टील फ्रेम बोला था, वो उन्होंने वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं और इन रोड्स बनी हुई हैं। सबसे ज्यादा स्कैंडल इंडिया में कहां है, डिफेंस में है, आपको पता है हर एक डील के पीछे जो पे ऑफ की बात चलती है। मैं जब ये बात चल रही, जिसकी अनुवा बात कर रही है, मैं उस समय स्पोक्स पर्सन था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, फाइल मेरे आगे से गई, जब जॉर्ज फर्नांडिस से गई थी मेरे आगे बात हुई थी, मुझे पता है ये क्या क्यों हुआ था। जॉर्ज फर्नांडिस को पता नहीं था, इट्स अ ब्यूरोक्रेसी, एडवांस जेट को पता नहीं था, जॉइंट सेक्रेटरी को मैंने डेढ़ दिन लगाए थे उनको समझाने के लिए कि फाइल में ये लिखा जाएगा। सो डोंट डिपेंड अपॉन दीज पीपल, उनको अपना कुछ नहीं पता होता, ये डिपेंड करते हैं उनके जो एडवाइजर्स होते हैं। एडवाइजर्स अच्छे हो तो अच्छी एडवाइस मिलेगी, एडवाइजर्स अपना एजेंडा लेके बैठा है तो खराब एडवाइस, ये प्रॉब्लम है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से, क्योंकि चूंकि भारत की हमेशा से डिफेंसिव इमेज रही है, तो क्या लगता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ये इमेज टूटी है? क्योंकि भारत का ये कहना है कि इस तरह के हमले अब भारत अब सहन नहीं करेगा। तो भारत की इमेज टूटी है, कौन सी इमेज टूटी है? भारत की इमेज थी कि हम कभी हमला नहीं करेंगे, हमने हमला थोड़ी किया, हमने तो उनके कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया है, आप उनके दुश्मन पे हमला थोड़ी किया, और इट इज अ नॉन मिलिट्री स्ट्राइक, ये तो उसका तो कैटेगरी मिलिट्री नहीं थी, तो दिस इज अ वेरी वेरी स्मार्ट स्टेटमेंट, ये कैटेगरी मिलिट्री नहीं थी भैया, ये तो टेररिस्ट है, इनको तो हमने खत्म करना ही था, चाहे इधर करें या उधर करें, गांव ही करें, हम खत्म कर देंगे। In fact, anybody else can go and destroy them. They are against the humanity. To start with,
ये वही डिस्ट्रॉय हो गए, पर भारत की पॉलिसी में बड़ा बदलाव आ गया है, पाकिस्तान और चाइना दोनों को पता चल गया है, तभी तो पीस एकॉर्ड साइन हो रहे हैं, तभी ये बात हो रही है। अब धड़कने जो हैं अब दूसरी तरीके से धड़क रही हैं दोनों की, और जो पाकिस्तान है इज इन ग्रेट प्रॉब्लम। अब वो किस प्रॉब्लम में है वो तो बड़ा लंबी डिस्कशन हो जाएगी, सीपीसी वगैरह जो आएगी बात, वो तो बात करोगे तो हम करेंगे, बट इस समय चाइना एंड पाकिस्तान, और चाइना इसलिए तो आपके कमरे में रो रहा है क्योंकि आपने उसको डिफेंसिव पे लिया, सारी हाइट्स ले ली, अब उस हाइट्स आपके पास है, वो टिक ही नहीं सकता था, तो उसे क्विकली मान लिया। पर क्वेश्चन ये, मैं पर्सनली होता तो मैं नहीं मानता, मैं तो कहता नहीं, अब बैठे रहिए साहब यहाँ पे जहां आप हो, और आप सब सिखा लिए, और हम हाइट पे बैठे रहेंगे, और उनसे एक्साइटेड खाली कराना चाहिए था, दिस वुड हैव बीन माय पॉलिसी। जी अनुमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद क्या लगता है कि पाकिस्तान बाज आएगा कि नहीं आएगा अपनी हरकतों से? ये तो ना तो पाकिस्तान बाज आने वाला है ना चीन बाज आने वाला है, पर एक चीज हम समझ लें कि ये कोई मस्कुलर शिफ्ट नहीं है, ये एक तरह से जैसे सर ने कहा स्मार्ट स्टेटमेंट था, मैं तो और आगे बढ़ के कहूंगी ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि हमारे कारण अब हो गया है। भारत की सेना कब कमजोर थी? केवल जी शुरुआती बिल्कुल दौर में, शुरू के 10-15 साल में भारत की सेना के पास क्योंकि आयुध उतने नहीं थे तभी ऐसा था, नहीं तो जज्बे में तो हम किसी के ऊपर भी, हमारा एक व्यक्ति 100-100 पर भारी पड़ने वाला है। तो सेना के बारे में जी हम ये समझ लें कि भारत की जी सेना, बिल्कुल भारत का सैन्य कर्मी हमेशा से बहुत ही मुस्तैद रहा है, जज्बे वाला रहा है, और यहाँ पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बाकी जी राजनीतिक बिल्कुल बयान आते जाते रहेंगे, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो आज ऐसे आएंगे कल किसी और तरह के आएंगे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक लोग हमारी सेना की क्षमता पर अपने आप को शाबाशी दे लेते हैं, कोई बात नहीं, हम उनको इतने दरिया दिल हैं, हम उनको इस बात की चलिए परमिशन दे देते हैं, कोई बात। प्रोफेसर जी, आपसे आखिरी सवाल, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने क्या सीखा और क्यों खास रहा बालाकोट हवाई हमला? देखिए, बालाकोट के बाद में हर एक सीखने के जो दर्जे थे हर एक लेवल पे हुए, जो नीचे स्क्वाड्रन लेवल पे तो बालाकोट के दर्जा ये था कि अपनी इंटेलिजेंस रेडी रखिए, सैंड मॉडल पे स्टडी करते रहिए, एनिमी टारगेट्स को हमको बोला जाता था आप रटिए, हम रटते थे तो आप सब रखिए। एक तो ये है, प्लानिंग के स्टेज पे सबने ये सीखा कि कॉन्स्टेंट प्लानिंग की जरूरत है, और जो 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 मिनिस्ट्री के लेवल पे ये था कि आपको अपनी फौज के साथ तालमेल रखना है, यू हैव टू लिसन टू देयर वॉइस, इट इज दे हु आर डिलीवरिंग द गुड्स। तो ये कोई छजूराम बैंड नहीं है कि आया कोटला से और बैंड बजा के चला गया, ये वो नहीं है, दे आर पार्ट ऑफ योर सिस्टम, आर्म फोर्सेस आर पार्ट ऑफ द मशीनरी। जब तक ये नहीं सोचते, हमारी इस सोच में कमी अभी तक रही है, आर्म फोर्सेस जब मशीनरी की तरह काम करेंगी। That's why आपको छोटी सी बात बता दूं, जहां गवर्नेंस फेल होती है आर्म फोर्सेस आती है, जहां गवर्नेंस फेल हुई है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हुई हो कहीं भी हुई हो, कैलेमिटी में सिस्टम फेल हो जाते हैं आर्म फोर्सेस, जहां जलजला, फ्लड्स, एनीथिंग, राइट्स, कम्युनल राइट्स, आर्म फोर्सेस, हर जगह आर्म फोर्सेस होती है। आर्म फोर्सेस की इतनी परफेक्ट है इसीलिए सब इस पर डिपेंड। तो हमने इस गवर्नमेंट है कि हमको अब आर्म फोर्सेस को राइट जगह पे रखना पड़ेगा और उनको डिसीजन बॉडी में सदैव रखना पड़ेगा। मतलब आपका ये कहना है कि डिसीजन मेकिंग में भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी को आगे रखना होगा? साथ में आगे का मतलब ये नहीं कि वो पहले बोले आप बोले, मतलब दे शुड बी फर्स्ट, आंसर शुड बी फ्रॉम देम। पहले मैंने ये देखा था, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब मैं साउथ ब्लॉक में पोस्ट था ये तो होता ही नहीं था, लोग फाइलें पहुंच जाती थी एयर हेडक्वार्टर और आर्मी हेडक्वार्टर, और फिर उनको पता चलता ये करना है। मैंने तो ये भी देखा है कि लोगों ने कहा हमें एयर टू एयर रिफ्यूलर नहीं चाहिए, उसके भी स्टेटमेंट ऑफ केसेस बनते देखे हैं मैंने, क्योंकि किसी ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने कन्विंस कर दिया, क्योंकि किसी फॉरेन कंपनी ने उसको बोला कि भैया तुम एयर टू एयर रिफ्यूलर कैंसिल कराओ, हमने मारे डर के कैंसिल करा दिया। MiG-21 हम बनाने वाले थे, रशिया ने हमारा हाथ मरोड़े, हमने बनाना छोड़ दिया। तो ये सारा का सारा अब बदल गया है, ये मैं बता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हम ईटीवी भारत को समय देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमने आपसे काफी सारी चीजें जानी जो हमें नहीं पता था, और हमारे दर्शकों ने भी इस बात को जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी भारत के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।